दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू व्लॉग में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमें माँ वैष्णो देवी शक्ति पीठ धाम जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा नज़ारा इस मंदिर का। तो बन रही है वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर पूजा सामग्री भी उपलब्ध है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर, उसके बाद हम आपको पीछे की तरफ दिखाएंगे। इस मंदिर में एक पवित्र गुफा भी है दोस्तों, जहां पे बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। तो बनी रही है वीडियो के अंदर तक। आप देख सकते हैं मंदिर के ऊपर बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्ति बनाई गई है दोस्तों, जो काफी सुंदर और आकर्षक लग रही है दोस्तों। तो चलिए अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर जाने से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और छोटा सा द्वार बनाया गया है दोस्तों, जो काफी सुंदर लग रहा है दोस्तों। कोरोना काल के कारण इस मंदिर में बिना मास्क प्रवेश वर्जित है दोस्तों। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मैं आपको मंदिर के अंदर नहीं ले जा सकता। इसका वजह यह है कि मंदिर में के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग करना या फोटो खींचना की अनुमति नहीं है दोस्तों। तो चलिए अब हम चलते हैं पीछे की ओर। आप देख कर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मंदिर कितना बड़ा होगा दोस्तों। आप देख सकते हैं यह मंदिर का पीछे का द्वार है दोस्तों। तो दोस्तों, फाइनली अब हम आ चुके हैं इस मंदिर के पीछे की ओर। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर पहाड़ है दोस्तों। तो चलिए अब हम चलते हैं इस मंदिर के गुफा की ओर। आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो खींचने की अनुमति नहीं है दोस्तों, जैसा कि सामने लिखा हुआ है। आशा है आप लोग को वीडियो में बहुत ही मज़ा आ रहा होगा दोस्तों। आप देख सकते हैं गुफा में जाने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा सीलिंग बनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, फाइनली अब हम आ चुके हैं गुफा के अंदर। गुफा के अंदर अंधेरा होने के कारण आप देख सकते हैं यहाँ पे बल्ब लगा दिया गया है दोस्तों, जो काफी अच्छी बात है दोस्तों। आशा है आप लोग को गुफा में बहुत ही मजा आ रहा होगा दोस्तों। जब भी आप उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में आए तो एक बार माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जरूर आए दोस्तों। लोगों का ऐसा मानना है कि माँ वैष्णो देवी के पास किया हुआ प्रार्थना का फल अवश्य मिलता है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे गुफा के अंदर बजरंग बली की मूर्ति बनाई गई है दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं गुफा की दूसरी ओर। नजारा तेरे बगुना दा, भवन बनावे उच्ची धारवाई।
तो दोस्तों फाइनली अब हम आ चुके हैं इस मंदिर के गुफा की दूसरी ओर। आप देख सकते हैं इस मंदिर के गुफा के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्ति बनाई गई है दोस्तों, जो काफ़ी सुंदर और आकर्षक लग रही है दोस्तों। आशा है गुफा में आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा दोस्तों। आप देख सकते हैं गुफा के अंदर माँ वैष्णो देवी की मूर्ति बनाई गई है दोस्तों, जो काफ़ी अच्छी लग रही है दोस्तों। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और ऐसे ही सुंदर सुंदर ब्लॉग देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।